दोस्तों हजारों सालों की गुलामी में भी भारत के लोग वो काम कर रहे थे जो विश्व कभी सोच नहीं सकता। जब पूरा यूरोप इस बात पर लड़ रहा था कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है या नहीं, तब भारत कैलकुलस जैसे मैथमेटिकल सिस्टम्स को डेवलप कर चुका था। आपने आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जी का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने नीलकंठ सोमयाजी, अच्युत पनीकर और जयसदेव जी का नाम सुना है, जिन्होंने न्यूटन, केपलर, ग्रेगरी लिबनीट से 200 साल पहले ही कैलकुलस, इन्फिनिट सीरीज और एस्ट्रोनॉमी पर कई महत्वपूर्ण खोजें कर दी थी। हम जब भी भारत के सोने की चिड़िया या विश्व गुरु होने की बात करते हैं तो हम 10th AD के पहले चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ज्ञान परंपरा उसके बाद टूट गई थी, लेकिन ये सच नहीं है। हमने गुलामी में भी विज्ञान को मस्तक से लगाकर रखा है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे महान शोधकर्ताओं के जाने के बाद भी भारत में विज्ञान फलता फूलता रहा, और 14वीं सदी में केरल में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो आज किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी को इनोवेशन एंड डिस्कवरीज में फेल कर देती। इस भारतीय यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने गणित और एस्ट्रोनॉमी में ऐसी खोजें की जिस पर विदेशी अपना ठप्पा लगाकर, अपना बताकर आज हमें पढ़ाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 83 में स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी पर चर्चा करेंगे, जिसको हम तो भुला चुके हैं, लेकिन यूरोपियन यूनिवर्सिटीज उनकी उपलब्धियों की चर्चा लगातार करती रहती हैं। हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी भारत में बनी कैसे, क्या क्या खोजें की, और इस पॉसिबिलिटी पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि यूरोपियन साइंटिस्ट ने भारत के इन वर्क्स को चुरा कर अपनी खोज बता दी हो। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, भारत में एक ऐसा समय था जब हमारे गुरुकुलों ने आर्यभट्ट, वराहमिहिर, महावीर, भास्कराचार्य और सुश्रुत जैसे ऐसे वैज्ञानिक दिए जिन्होंने पूरे संसार में नाम कमाया है और भारत का नाम ऊंचा किया है। ये भारत के विज्ञान का स्वर्ण काल था, लेकिन इस स्वर्ण काल को धीरे धीरे आघात पहुंचा। हमारे देश में 10वीं सदी से इन्वेजन शुरू हो गए और 13वीं सदी में तो हमारी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को भी जला दिया गया। लेकिन इतना होने के बाद भी भारत की ज्ञान परंपरा उस घास की तरह है जिसको आप कितना भी काटे वो फिर से उगाएगी। और 14वीं सदी में एक क्षण प्रतिभा के धनी गणतज्ञ आचार्य माधव जी ने केरल में एक ऐसे आश्रम की स्थापना की जहाँ की गुरु शिष्य परंपरा ने गणित और एस्ट्रोनॉमी में ऐसी ऐसी खोजें की जिसका लोहा आज भी यूरोप मानता है। और ये भारत का दूसरा स्वर्ण काल था जो 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक चला। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाने वाला ये आश्रम सबसे पहली बार मेंशन हुआ था 1832 में, जब एक अंग्रेज चार्ल्स विश ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन एंड आयरलैंड के एक लेक्चर में इस स्कूल के बारे में, इस विद्यालय के बारे में बात की थी। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन एंड आयरलैंड एक ऐसी संस्था है जो एशिया में जितना भी विज्ञान को लेकर, साहित्य को लेकर जो भी प्रोग्रेस होता है, जो भी सीखने की चीजें हैं वो वहां पर पढ़ाई जाती हैं, साथ में एशिया में ये सब चीजें और आगे बढ़े उसको वो सपोर्ट भी करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो चार्ल्स विश हैं ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, अधिकारी थे, और जब इन्होंने भारत के मद्रास क्षेत्र में साउथ इंडिया में जाकर जब गुरुकुलों को देखा, वहां पर पढ़ाई जाने वाली मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को देखा, तो उन्होंने पाया कि वहां पर एक अलग तरह की ही कैलकुलस और कई नई तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ाई जा रही हैं। और जब उन्होंने और डीप रिसर्च की तब उनको पता चला कि 14वीं सदी में एक ऐसा केरल में विद्यालय था जहां पर कैलकुलस को डेवलप किया गया था और इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की खोजें की गई थी। और जब उन्होंने आगे अपनी रिसर्च बढ़ाई तो पता चला उस विद्यालय की स्थापना एक आचार्य माधव करके व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। वो 1340 ईस्वी के आसपास पैदा हुए थे और केरल के संगम ग्राम नाम की जगह से आते थे। उसके बाद जो भी जानकारी आचार्य माधव जी के बारे में मिलती है वो उनके शिष्यों की रचनाओं में ही जो उपलब्ध है उसी से पता चलता है। 14वीं सदी में जब यह विद्यालय स्थापित हुआ तो गुरु शिष्य परंपरा ही इसको आगे बढ़ाई। सबसे पहले आचार्य माधव जी ने कार्यभार संभाला, उसके बाद उनके शिष्य परमेश्वर जी ने, और परमेश्वर जी के बाद दामोदर जी ने इस विद्यालय के रिसर्च एप्टीट्यूड को आगे बढ़ाया। दामोदर जी के बाद उनके दो शिष्यों नीलकंठ सोमयाजी और जयसदेव, इन दोनों ने विद्यालय का काम आगे बढ़ाया और गणित और एस्ट्रोनॉमी में कई नई ग्राउंड ब्रेकिंग खोजें भी की। जयसदेव जी ने तो युक्ति भाषा नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसे कैलकुलस पर लिखी गई पहली पुस्तक माना जाता है। और इन दोनों के बाद शंकर वारियार और अच्युत विसारद जी ने 17वीं सदी तक इस परंपरा को जारी रखा। लेकिन 17वीं सदी का अंत होते होते केरल का जो मालाबार क्षेत्र था वो अशांत होने लगा, पुर्तगाली आने लगे, डच आने लगे और आक्रमणकारी वहां से आक्रमण शुरू कर दिए थे, तो वो एरिया डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण से वहां पर वैज्ञानिक परंपराओं
को रिसर्च को आघात पहुंचा। ये विद्यालय 1819 तक किसी तरह से सरवाइव किया और इसके जो अंतिम आचार्य थे वो कथरनाडु के राजा शंकर वर्मन जी थे, जिन्होंने सतरत्नमाला पुस्तक लिखी थी। अब अगर आप इस हिस्ट्री को देखें 14वीं सदी से 17वीं सदी तक, तो जो जितना भी विद्यालय कार्य किया है उनकी जितनी भी खोजें हैं कैलकुलस को लेकर, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को लेकर, विज्ञान की दूसरी विधाओं को लेकर, अगर हम उनको देखें तो उन्होंने 4 ऐसे ग्रंथों को प्रोड्यूस किया है, ऐसी पुस्तकों को जो ग्राउंड ब्रेकिंग है। ये 4 कौन कौन सी हैं? तंत्र संग्रह, युक्ति भाषा, करण पद्धति और सतरत्नमाला। हम इन चारों पुस्तकों की चर्चा करेंगे, क्या क्या खोजें ऐसी बताई गई हैं जो यूरोप ने बाद में की है और यहाँ पर पहले की जा चुकी थी। लेकिन इसके पहले हमें समझना चाहिए कि इस स्कूल ने मैथमेटिक्स के साथ एस्ट्रोनॉमी पर इतना शोध क्यों किया। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, जो भी हम पूजा कार्य करते हैं, वो ज्यादातर सूर्य और चंद्रमा की गतियों पर निर्भर करते हैं, और इसीलिए हमारे गुरुकुलों में ये प्राचीन परंपरा रही है ज्योतिष और खगोल शास्त्र को पढ़ाने की। और जब उसमें हम सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों की गणना करते हैं, उनकी गतियों को सटीक सटीक निकालना चाहते हैं, तब हमें कैलकुलस जैसे, ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना पड़ता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे विश्व में प्राचीन सभ्यताओं में गणित जो है भारत में बहुत तेजी से डेवलप हुई थी, क्योंकि हमारा जो धार्मिक कार्य था वो गणित पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता था। तो एक तरह से देखें तो एक इकोसिस्टम था कि हमारे धार्मिक कार्य, हमारी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जो सूर्य और चंद्रमा पर आधारित थी, और उसको समझने के लिए जो मैथमेटिक्स थी, ये तीनों साथ साथ चलते थे। अब यहां पर मैं बार बार कैलकुलस की बात कर रहा हूं। जिनको कैलकुलस के बारे में नहीं पता है वो ऐसे समझे कि जैसे ज्योमेट्री होती है, जिसमें हम अलग अलग शेप्स का एरिया निकालते हैं या फिर परिमाप निकालते हैं, सर्कमफेरेंस, या फिर उसके बाद हम एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा ज्योमेट्री में आता है। लेकिन जब ऐसी कोई चीज जिसमें कोई गति होती है, जिसमें कोई चेंज हो रहा है, और उस रेट को हम जानना चाहें कि किस रेट से वो चेंज हो रहा है, पर सेकंड, पर मिनट, किस रफ्तार से वो चीजें चेंज हो रही हैं, तो वहां पर कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक बल्लेबाज है और उसने गेंद को मारा, तो गेंद किस गति से ऊपर गई, कितने समय बाद ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, उसके बाद वो नीचे कब आई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसमें लगा कितना समय है, तो ये सब जो है कैलकुलस के माध्यम से बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। और इन्हीं सब पद्धतियों को लगाकर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और उनकी जो अलग अलग पोजीशंस हैं, जिस वे में वो चलते हैं, इन सभी को समझने में भारतीय गुरुओं को बहुत आसानी होती थी। तो आइए देखते हैं कि आचार्य माधव जी ने ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स को डेवलप किया था जिनकी वजह से हमें अपने धार्मिक कार्यों में आसानी होती थी, और उन्हीं टेक्निक्स को बाहरी लोगों ने आकर हमसे सीखा और आज हमें अपना बताकर पढ़ाते हैं। दोस्तों, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी खोज इन्फिनिट सीरीज रही है। इन अनंत श्रेणियों के माध्यम से भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जो भी घटनाएं होती हैं, जिनको हम अपने सीमित मस्तिष्क से नहीं समझ सकते, जिनको फिक्स तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता, ये इन्फिनिट सीरीज उन घटनाओं को अप्रोक्सीमेट बनाकर हमारे समझने लायक बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमारे चारों तरफ बहुत ढेर तरह की साउंड वेव्स हैं, अलग अलग तरह के शोर होते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें हैं। उनमें से किसी एक तरह की साउंड वेव को अगर आपको निकालना है, किसी एक तरह के पैटर्न को या किसी एक तरह के पैटर्न को खत्म करना है, तो इस तरह के मैथमेटिकल टूल बहुत काम आते हैं। और ऐसी ही एक इन्फिनिट सीरीज हमें नीलकंठ सोमयाजी जी की तंत्र संग्रह में मिलती है, जहां पर बताया गया है कि ये इन्फिनिट सीरीज भी आचार्य माधव द्वारा रचित है। साथियों, अगर आप तंत्र संग्रह के अध्याय 2 में जाकर 271वां श्लोक देखेंगे, तो एक इन्फिनिट सीरीज पर श्लोक है। हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में चाहे अध्यात्म हो, साहित्य हो या फिर विज्ञान हो, हर एक चीज का ज्ञान सूत्रबद्ध किया जाता था, छंदों में लिखा जाता था। इसके साथ साथ एक भूत संख्या प्रणाली होती थी, जैसे कि छंदों में हम इसीलिए लिखते थे कि आगे की आने वाली जनरेशन जो है उसको आसानी से याद कर पाए, या फिर अगर चीजें नष्ट भी हो जाएं तो वो मस्तिष्क में बनी रहे। और यहां पर जो मैंने भूत संख्या प्रणाली बताई, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता था, छंदों में संख्या की बजाय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था जिससे संख्या के विषय में पता चल सके। जैसे अगर 4 नंबर लिखना है तो वेद लिखा जाता था, क्योंकि वेद 4 हैं। जैसे अगर 2 संख्या लिखनी है तो नेत्र लिख दिया जाता था, क्योंकि नेत्र 2 होते हैं। जैसे अगर 4 संख्या लिखनी है तो सागर लिख दिया जाता था, कि सागर चारों तरफ से घेरता है। तो इसी तरह से संख्या को पोएटिक फॉर्म में लिखकर इन सीरीज को सूत्रबद्ध किया गया था, और इसी को भूत संख्या प्रणाली कहते हैं। अब अगर इस श्लोक को आप ध्यान से देखें, तो यहां पर लिखा है कि व्यासे वारिधि निहिते। व्यासे मतलब डायमीटर, किसी सर्किल का जो व्यास है। वारिधि सागर को कहते हैं, तो 4 गुना यहां पर हमें व्यास को करना पड़ेगा। इसी श्लोक को अगर आप आगे देखें, तो रूप शब्द एक संख्या को दिखाता है, त्रि 3 को दिखाता है, और सरा 5 को। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि निहिते का अर्थ गुणा से लिया जाता है। वहीं अगर आप आगे देखेंगे तो लिखा है कि विषम संख्या भक्तम, यानी विषम संख्याओं से विभाजन किया जाना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि ऋणम स्वम प्रथम क्रमात कुर्यात, यानी ऋण और योग के क्रम से। तो अगर इस श्लोक को मैथमेटिकल फॉर्मेट में खोला जाए, तो ये
श्लोक आपको ऐसे दिखेगा। ये एक इन्फिनिट सीरीज है, अगर आप इसके अनगिनत पदों को जोड़ते चले जाएंगे तो आपको पाई का मान दशमलव के अनगिनत स्थानों तक मिल जाएगा। अगर आप इस सीरीज के 10 लाख पदों को जोड़ेंगे तो जो पाई का मान आएगा उस पाई के मान में दशमलव के 18 अंकों तक हमें केवल एक गलती देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में ही, आज से 625 साल पहले ही, हमारे आचार्य माधव जी ने ऐसा एक सूत्र दे दिया था जिससे पाई के 18 अंकों तक का मान सही सही हमें मिल रहा था। और आज हमें इसे कैसे पढ़ाया जाता है? आज हमारे स्कूलों और कक्षाओं में इसे ग्रेगरी लिबनिट्ज़ सीरीज नाम से बताया जाता है, क्योंकि वेस्ट वाले मानते हैं कि ग्रेगरी लिबनिट्ज़ सीरीज की खोज 1671 और 1673 ईस्वी में हुई थी। अब इसमें आयरनी यह है कि ग्रेगरी और लिबनिट्ज़ आपस में खुद लड़ गए थे कि उन दोनों में पहले इसको कौन खोजा है, इसीलिए बाद में झगड़ा सुलटाते हुए इसको ग्रेगरी लिबनिट्ज़ सीरीज नाम से जाना जाने लगा। लेकिन हकीकत यह है कि उससे 300 साल पहले ही आचार्य माधव जी ने इस सीरीज की खोज कर दी थी, और आज इसको एक्नॉलेज करते हुए वेस्ट वाले माधव ग्रेगरी लिबनिट्ज़ सीरीज नाम से इसको पढ़ाते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इस सीरीज के अगर आप 10 लाख पदों को जोड़ें तो जो पाई का मान मिलता है आपको 18 अंकों तक, दशमलव के 18 अंकों तक, तो हमें उसमें एक गलती मिलती है एक डिजिट की, तो ये एक विसंगति हमें देखने को मिलती है। तो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए आचार्य माधव जी ने एक सूत्र दिया था, और अगर उस सूत्र का आप पालन करेंगे तो आपको वो भी गलती नहीं मिलेगी। और इस सूत्र के साथ साथ और भी इन्फिनिट सीरीज पर काम किया था, जिसको बाद में न्यूटन जी ने अपनी डिस्कवरी बताते हुए क्लेम भी किया। साथियों, ऐसे ही बहुत ढेर सारे संस्कृत ग्रंथ हैं जहां पर आध्यात्म, विज्ञान, कला, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में अद्भुत काम हो रखा है, लेकिन हमें संस्कृत न आने की वजह से हम इनसे दूर हैं। और इसीलिए हमने अपने शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर संस्कृत सिखाने वाले कोर्स का निर्माण किया है। ये एक ऐसा कोर्स है जो हिंदी में है, जहां पर संस्कृत भाषा के सभी शब्दों का सही उच्चारण होता है, पढ़ाने वाले आचार्य भी गुरुकुल से हैं और स्वयं भी संस्कृत भाषा को बोल लेते हैं। तो हमने पूरी मेहनत और लगन से इस संस्कृत कोर्स का निर्माण किया है, जो सभी आयु के लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, सभी लोग इस बिगिनर कोर्स को सीख सकते हैं। साथ में बीच बीच में आचार्य जी आपसे लाइव भी जुड़ते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, क्विजेस दी जाती हैं। इसके साथ साथ आपको एक फोरम भी है जहां पर आप अपने सहपाठियों से चर्चा कर सकते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्कृत भाषा से, भारत की प्राचीन परंपराओं से, जीवन शैलियों से। कब तक आप ट्रांसलेटेड वर्क्स को पढ़ते रहेंगे? और साथियों, आप हाइपर क्वेस्ट को इतना प्यार देते हैं तो हमने वहां पर आपके लिए हाइपर 15 कोड की व्यवस्था की है। अगर आप हाइपर 15 को यूज करेंगे तो सभी कोर्सेज पर आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आज ही ज्वाइन करें। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि आचार्य माधव जी ने जो एक गलती रह गई थी पाई के मान में, उसको कैसे सॉल्व किया। तो साथियों, जो सीरीज हमने पहले देखी इन्फिनिट सीरीज, जिनके पदों को जोड़ने पर हमें पाई का मान मिलता है, और हमने देखा था कि 10 लाख पदों को जोड़ने के बाद पाई के मान में 18 अंकों तक में एक गलती है। तो एक्चुअल में हम पहले यहां क्या कर रहे हैं यह हमें समझना चाहिए। हम क्यों बार-बार पदों को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं? तो इसको ऐसे समझिए कि पहला पद 4 है और 4 में से हम पहले कुछ घटा रहे हैं, और अब देखिए पाई का मान 3 के आसपास होता है, 3.14 है। तो हम पहले 4 में से कुछ घटाते हैं, 3 के नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ जोड़ते हैं जिससे हम 3 के ऊपर जाएं, पाई के मान की तरफ बढ़े, फिर कुछ घटाते हैं, फिर कुछ जोड़ते हैं। ऐसे क्या हो रहा है? बार बार घटाकर जोड़कर हम पाई के मान के करीब पहुंचना चाहते हैं, और जब 10 लाख बार ऐसा करते हैं तब पाई के हम 18 अंकों तक, दशमलव के 18 अंकों तक मान जो है उतने करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन 10 लाख बार तो आचार्य माधव जी ने जोड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उस समय कंप्यूटर नहीं था, बस उनके पास जो था वो उनका ब्रेन था। तो इसीलिए उन्होंने इस पैटर्न को समझा कि हम कर क्या रहे हैं, और जब उनको पैटर्न समझ में आ गया कि हर बार कुछ डिफरेंस रह जाता है, और अगर उस डिफरेंस को हम जान जाएं, एग्जैक्ट डिफरेंस को, तो हम पाई के सही मान पर पहुंच सकते हैं। तो उस डिफरेंस को जानने के लिए उन्होंने पैटर्न को समझना शुरू किया और एक ट्रिक निकाली, और उस ट्रिक को एक श्लोकबद्ध किया। उस ट्रिक से हम पाई के एग्जैक्ट मान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो श्लोक है ये आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर भी भूत संख्या प्रणाली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी अलग अलग शब्द अलग अलग संख्या को बताते हैं, जैसे विबुध 33 संख्या को बताता है, उत्सव 2 को, गज 8 को, अही 8 को, हुताशन 3 को, त्रि 3 को, गुड़ 3 को, ऐसे ही वेद 4 को, भय यानी नक्षत्र यानी कि 27 की संख्या को, वारण 8 को, बहु 2 को, नव 9 को, और निर्खवम 10 की घात 11 आदि संख्याओं को बताता है। तो इस श्लोक से जो संख्या निकलती है, अगर आप उसको 9×10^11 से भाग दे देंगे तो आपको पाई का दशमलव के 12 अंकों तक सही सही सटीक मान मिल जाता है, जो 14वीं शताब्दी में आचार्य माधव जी ने करके दिखा दिया था। इसके साथ आचार्य माधव जी ने बहुत ढेर सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्फिनिट सीरीज को भी डेवलप किया था, जो आपको ज्येष्ठ देव जी के द्वारा युक्ति भाषा जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें देखने को मिल जाती है। वहां पर साइन की इन्फिनिट सीरीज, कॉस की इन्फिनिट सीरीज, इनवर्स टैन की सीरीज देखने को मिलती है, जिसको बाद में न्यूटन की खोज बताकर न्यूटन सीरीज नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इसकी खोज सबसे पहले केरला
मैनचेस्टर स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ने की थी, और इस बात को यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने भी माना है, और बाद में इस सीरीज का नाम माधव न्यूटन सीरीज भी कर दिया गया। तो साथियों, हम देख सकते हैं कि केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी किसी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से कई सौ सालों आगे था। ऐसे अगर आप जयदेव जी की युक्ति भाषा को और पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी देखने को मिल जाएगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा उसका फॉर्मूला, या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा, ऐसे अगर हम ए प्लस बी की पावर्स को बढ़ाते जाएं 10, 20, 30, 40, 50 तो कितने फॉर्मूले आप याद करेंगे, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला हमें युक्ति भाषा में मिल जाता है जो आज बाइनोमियल एक्सपेंशन से जाना जाता है, जहां पर आप जितनी चाहे उतनी पावर्स रख सकते हैं और उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी के साथ साथ युक्ति भाषा में एक और सीरीज देखने को मिलती है जहां पर आप नेचुरल नंबर्स जो हैं एक से लेकर अनंत तक, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं अगर उनकी एक फिक्स पावर को हमें जोड़ना हो, जैसे मान लीजिए पावर हम 2 ले लिए, तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, ऐसे अगर हम जोड़ते चले जाएं तो कितना होगा, ये सीरीज उसको कैलकुलेट करके आपको दे देगी। तो साथियों, ऐसी बहुत ढेर सारी सीरीज पर, मैथमेटिकल टूल्स पर केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ने काम किया था, जो ज्ञान बाद में यूरोप पहुंचा और उस पर यूरोप का ठप्पा लग गया। अब आइए समझते हैं कि यूरोप में आखिर ये ज्ञान पहुंचा कैसे। साथियों, जो आप केरल में मालाबार तट देख रहे हैं, वहां से प्राचीन भारत में बहुत ढेर सारा व्यापार होता था, चाहे हम अरब से व्यापार कर रहे हों, चाहे हम अफ्रीका से कर रहे हों, इनफैक्ट चीन से भी हम यहीं से व्यापार करते थे। और आप देखिए, बाद में 1498 में वास्को डिगामा भी एक भारतीय व्यापारी की मदद से इस तट पर पहुंचा था, और ये वो समय था जब केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी अपनी रिसर्चेज में पीक पर था। अब साथियों, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की जरूरत किसको नहीं थी, हम तो अपने यहाँ यूज कर ही रहे थे, लेकिन यूरोप में उस समय एक ट्रेंड चला था समुद्री मार्गों को खोज का, नए नए देशों को खोजने का। और उस समय जो समुद्री नाविक होते थे, जो एडवेंचरर्स थे, जो सेलर्स थे, उनको एग्जैक्ट नेविगेशन के लिए इस तरह के टूल्स की आवश्यकता थी, मैथमेटिकल टूल्स की, एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स की, क्योंकि जो सेलेस्टियल नेविगेशन होते हैं, जो हम तारों को देखकर करते हैं, उनके लिए ये मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि भारतीय गुरुकुलों में एस्ट्रोनॉमी को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझा जाए। और इसके अलावा एक मोटिवेशन और भी थी, उस समय यूरोप में जूलियन कैलेंडर जो था वो ऑब्सोलीट हो चुका था, उसको चेंज करने की यूरोप को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, तो इसलिए वो अलग अलग टेक्निक्स को जो दूसरे देशों में पाई जाती है उसको वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक आर्टिकल को देखें तो वहां पर ये संभावना व्यक्त की गई है कि पोप ग्रेगरी III ने, जिन्होंने जूलियन कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कैलेंडर हम आज यूज करते हैं जनवरी फरवरी वाला, उसमें कन्वर्ट करने के लिए कई जेसुइट्स को, जो मिशनरी होते हैं, उनको अलग अलग जगहों पर भेजा था, जिसमें से सबसे ज्यादा जेसुइट चूंकि केरला में ऑलरेडी थे, पोर्चुगीज यहाँ पर पहुँच गए थे, और यहाँ पर ये जो जेसुइट्स होते हैं इनको मिशनरी कह सकते हैं, ये लोग यहाँ पर ईसाइत का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ऑलरेडी यहाँ पर थे, तो उनको इस तरह का संदेश पहुँचाया गया कि अगर एग्जिस्टिंग लोकल बॉडी में कोई एस्ट्रोनॉमी को लेकर, कैलेंडर्स को लेकर अगर कोई सिस्टम है तो उसको समझा जाए और उससे अपने कैलेंडर को और भी एक्यूरेट बनाया जाए। तो ये सब रीज़न है जिनके कारण से भारत का ये ज्ञान केरल के माध्यम से यूरोप पहुँचा रहा होगा। अब ये संभावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस बात से जितनी भी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं उससे हम ये नहीं इनकार कर सकते कि भारत यूरोप से बहुत आगे था एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में। और मैंने जितना इस वीडियो में बताया है वो 1% भी नहीं है, क्योंकि हमें जितना भी केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता चला है वो 1% ही है, 99% अभी हमसे अछूता है, हमें उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चार पुस्तकें मुख्य हैं, तंत्र संग्रह, करण पद्धति, सदरत्नमाला और युक्ति भाषा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ढेर सारी दर्जनों पुस्तकें हैं जिन पर रिसर्च करना अभी बाकी है, जैसे गोलावाड़ा, मध्यमानयन प्रकारा, महाज्ञान ज्ञान प्रकारा, लग्न प्रकारा, वेन वरोहा, स्फुट चंद्राप्ति, अगणित ग्रहचारा, चंद्र व्याख्यानी, ये सब आदि और भी प्रमुख पुस्तकें हैं जिन पर अगर हम रिसर्च करेंगे तो और भी बड़ी बड़ी खोजें हमको देखने को मिल सकती हैं। साथियों, हमें इन पर रिसर्च करना चाहिए और अपनी युवा पीढ़ियों को इनके विषय में बताकर इन पर रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और इसी दिशा में भारतीय सरकार ने भी 2009 में इस पुरानी यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की कोशिश की और केरल में दोबारा केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की। हमने यूनिवर्सिटी की स्थापना तो कर दी है, लेकिन अगर हम अपने स्कूलों में, पूरे देश में इन सब चीजों के बारे में पढ़ाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि हमारी संस्कृत में भी कैलकुलस उपलब्ध है, ट्रिग्नोमेट्री उपलब्ध है, तो जहां एक तरफ बच्चे गौरवान्वित भी महसूस करेंगे, वहीं उनको ये भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि जब हमारे आचार्य लोग इतने आगे थे तो हम भी वैसे आगे निकलेंगे। साथियों, हम इस तरह की वीडियो ढेर सारा रिसर्च करके लाते रहते हैं और लाते भी रहेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लाखों लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन केवल 30-40% ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से एक पॉजिटिव चेंज
जा सकता है, तो इस चैनल को बड़ा बनना पड़ेगा। और अगर आपको हम पे भरोसा है, हमारे काम पे भरोसा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में साथियों, हम वीडियो से रिलेटेड जितनी भी लिंक्स होती हैं, बुक्स होती हैं, उसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन को भी जरूर पढ़ें। वहां पर आपको कई तरह के फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास, जो कि विज्ञान से ओतप्रोत था, उसके विषय में कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपके किसी साथी को या आपको संस्कृत भाषा सीखनी है और इस तरह के ग्रंथों को पढ़ना है, तो आप शिक्षणम ऐप पर या शिक्षणम वेबसाइट पर जाकर संस्कृत भाषा के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।